मलाक क्या कर रही है यहाँ पे? मलाक को क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ क्या कर रही हो आप? मलाक यहाँ पे इसलिए बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पे ये बैठ के खुश हो रही है क्योंकि सामने वहाँ पे कुकू हमारा बैठा हुआ है और ये कुकू को देख के बार बार खुश हो रही है ना। कुकू वहाँ पे बैठ के अच्छा खासा एंजॉय कर रहा है, हवा लगवा रहा है और मजे मजे की आवाजें निकाल रहा है, सबको बुला रहा है। मलाक जो है, मलाक यहाँ से बैठ के देख रही है कुकू को बस। मलाक सो गई है अपने स्विंग में, तो अभी मैं जाके जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में बनाने लगी हूँ नाश्ता। यहाँ पर मैंने लिए हैं दो बड़े साइज के आलू, उनका छिलका मैंने उतार लिया है, टमाटर और हरी मिर्च लिए है और साथ साथ मैंने दो प्याज भी लिया। और आज मैं बनाने वाली हूँ अफगानी ऑमलेट। अफगानी ऑमलेट बहुत मजे का बनता है, ईजी भी है और जल्दी भी बन जाता है। तो चीजों की जो क्वान्टिटी है वो मैंने अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। और अगर आप बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से क्वान्टिटी लें, एक आलू लें, एक टमाटर लें, एक प्याज लें। तो क्वांटिटी का जो हिसाब है वो आपकी फैमिली पे मैटर करता है। तो बस अभी मुझे क्या करना है, इनको कट करना है लेकिन छोटे छोटे पीसेस में, जैसे चॉप करते हैं उस तरीके से। टमाटर भी वैसे करने हैं और प्याज भी वैसे करने हैं, तो मैं इनको कट करके फिर आप सबको दिखाती हूँ। तो अभी आलू मैंने कट कर लिए, ये देखें आलू मैंने इस शेप में कट किए हैं लेकिन बारीक है, ज्यादा मोटे नहीं है। तो अभी बस हम प्याज कट करते हैं, प्याज की बारी आ गई है, प्याज के बाद फिर टमाटर कट करेंगे। इसी शेप में ही कट करने, जिस तरह से आलू कट किए ना, टमाटर और प्याज इसी शेप में ही कट करने। प्याज भी यहाँ पर हमारे कट हो गए हैं और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी यहाँ पर कट कर लिया। अच्छा, प्याज में से ना मैंने तकरीबन कोई हाफ प्याज यहाँ पे बचा के रख दी है और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ग्रीन वाली प्याज, तो बस इसको अभी मैं कट करके डालती हूँ। हाफ इसलिए मैंने वहाँ से बचा के रख दी कि मैं कह रही हूँ यहाँ से ये डालूँ तो इसका कलर जो है ना वो अच्छा आएगा। चीजें सारी मैंने यहाँ पर कट कर ली हैं और आग भी मैंने जला दी है, तो मैं सभी फ्राई पैन रख के इसमें घी डाल के तो बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने घी डाल दिया, घी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर जो मैंने चॉप किए थे आलू वो डाल रही हूँ और अभी हमें इनको फ्राई करना है। तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ना ये पक जाएंगे, तो अभी मैं इनको फ्राई करती हूँ और कोई 3 से 4 मिनट लगेंगे आलू को पकने में। उसके बाद जो है फिर हमने इसमें प्याज डालने हैं, लेकिन पहले हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आलू यहाँ पर हमारे पक गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन 3 से 4 मिनट नहीं लगे, इन्हें कोई तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कुक हो गए, सॉफ्ट हो गए। तो अभी ना मसला क्या हो रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि ये जो फ्राई पैन है ये छोटा है। अब है तो वैसे ये बड़ा छोटा नहीं है लेकिन गहरा नहीं है ज्यादा। मैं देखती हूँ, अगर मुझे मसला हुआ तो फिर मैं किसी और पैन में चेंज करूँगी। वो अभी जो मैं डालने लगी हूँ इसमें प्याज और हरी प्याज भी मैं साथ में डाल दूंगी, और साथ ही मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्चें बारीक कट करी हैं वो भी मैं डाल रही हूँ। हरी मिर्च डालने के बाद मैं अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि बाद में फिर मुझे नमक की जरूरत पड़ेगी डालने की, तो इसलिए मैंने अभी इसमें थोड़ा सा ये ऐड किया। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा चम्मच काली मिर्च का, तो अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी मिक्स हो गया है, अभी इसमें टमाटर डालने का टाइम आ गया है। तो अभी मैं डालने लगी हूँ इसमें टमाटर जो मैंने बिल्कुल बारीक कट किए हैं। अच्छा, आप टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे सही लगा कि मैं टमाटरों को चॉप करके डालूँ। अच्छा, ये बहुत ही मजे का बनता है, बहुत मजेदार होता है। अगर आप सब जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा है आपको। तो अभी इन सब चीज़ों को डालने के बाद कुछ देर हम इन्हें पकाएंगे, जब तक हमारे जो टमाटर जो मैंने डाले हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, पक नहीं जाते, फिर उसके बाद जो है ना हमारा लास्ट प्रोसेस होगा बस। तो उसके बाद हमारा मज़ेदार सा अफगानी ऑमलेट बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमारा अफगानी ऑमलेट का मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो गया और माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन बस अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको सेट करती हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिए अंडे, सबके लिए मैंने एक एक एग लिए है। अभी इनके ऊपर अभी हम डालते हैं, सेट करने की कोशिश करती हूँ कि इसी फ्राई पैन में ही हमारा काम हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद पूरी है कि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बना दिए जगह थोड़ी थोड़ी एग के लिए, ताकि बाद में मसला ना हो मुझे, क्योंकि मैं पहले से बता रही हूँ कि पैन जो है वो मेरा छोटा पड़ गया है।
मैंने आप सबको बताया था पहले कि मैंने नमक जो है ना वो थोड़ा डाला है, तो अभी ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। मैंने इसलिए कम डाला था क्योंकि बाद में मुझे नमक डालना है ताकि जो अंडे हैं ऊपर से जो अंडों वाली तह है वो फीकी ना रह जाए। अच्छा, नमक डालने के बाद थोड़ी सी मैं ऊपर से हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। हरी मिर्ची का ऑप्शन है आपके पास, आप डालें ना डालें ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि जाहिर है हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं इस वजह से। और हरी मिर्ची के साथ साथ यहाँ पर मैंने कट किया है हरा धनिया, और थोड़ा सा ऊपर से हम हरा धनिया भी डाल देते हैं। और देखें आराम आराम से जो है ना हमारा अफगानी ऑमलेट बनना तैयार भी हो गया। देखें आराम आराम से ये पक रहा है, और इसकी जो आग है ना बिल्कुल मैंने हल्की कर दी, ये हल्की आंच पे अभी पक रहा है। अभी यहाँ पे मैंने बस इसको ढांप देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है हमने इसको, तो उसके बाद जो है ना बस आपका ये तैयार है बिल्कुल। तो फाइनली अभी हमारा जो अफगानी ऑमलेट है बन के तैयार हो गया है, तो इसका अभी हम ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि इसका लुक कैसा आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये तो बहुत ही जबरदस्त बन गया है। अच्छा, ये भी आप पे डिपेंड है कि आग अगर आप इसे थोड़ा कुक करते हैं या ज्यादा कुक करते हैं, लेकिन मैंने जो है इसे थोड़ा ज्यादा कुक किया है। आग भी अभी मैंने इसकी बंद कर दी है, तो अभी मैंने क्या करना है जाके अपने बच्चों को उठाना है और फिर उसके बाद हम करते हैं मजेदार सा नाश्ता आज मजेदार अफगानी ऑमलेट के साथ। अभी ना मैं थोड़ी सी ना कुटी लाल मिर्च ऊपर से डालने लगी हूँ, ये भी आपकी मर्जी, अगर आप डालें तो डाल सकते हैं नहीं तो ना डालें। अच्छा, मैं जाके ना फिर से वापस आ गई थी, मैंने कहा मुझे ये कुटी लाल मिर्च डालना जो है वो भूल गया था, तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं और दूसरे जो हम जैसे कि डेली रूटीन में यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है क्योंकि अभी हमारा जो अफगानी ऑमलेट है और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है लाल मिर्च के साथ। मोना को मैंने कहा है कि आप दस्तरखान लगाओ, और जैसे ही मैंने हानिया को उठाया, मुस्तफ़ा को उठाया, मलाक भी साथ साथ उठ के आ गई। मलाक को मैंने बिठा लिया वॉकर में और मुस्तफ़ा को मैंने कहा, मुस्तफ़ा फ्रेश होके आके फिर यहाँ पर सो गए, और हानिया भी यहाँ पे आके अभी बैठ गई है, तमन्ना भी गई है फ्रेश होने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं घर। नाश्ता हमारा बन गया है और बच्चों को भी मैंने सबको उठा दिया, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो वो भी अभी हमारे साथ ही नाश्ता करेंगे, और मलाक भी हमारे साथ नाश्ता करेगी, है ना, इसलिए तो ये उठ के आ गई, इसे पता चल गया कि नाश्ता होने वाला है और छुप छुप के मुझसे नाश्ता किया जा रहा है। उस वक्त उठ जाओ, सबके पापा का वेट हो रहा है, जैसे ही वो आते हैं सब बैठ जाएंगे दस्तरखान पे, जल्दी करो उठो। हाँ, आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है आपको? आपकी प्रेम पे बैठ जाऊंगी, मलाक जा जाएगी मेरे साथ ले जाएगी। फिलहाल तो आप मलाक को लेके जा रही हो, मलाक शॉपिंग करने कब जाओगी? छोड़ दो, बस छोड़ दो उसको। पिज्जा बनाया आज मम्मा ने नाश्ते में, पिज्जा नहीं है। सबका ना मैंने एक एक पीस बनाया है पिज्जे का आज नाश्ते में। ये पकड़ो मना, मुस्तफा उठ के यहाँ से फिर क्या कहाँ चला गया। चलो अब शुरू करो खाना, एक प्लेट वहाँ से और दो मुझे पानी, अब खाना शुरू करो। रोटी मिलेगी, रोटी वो सामने है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ हमारे रूटीन का आगाज हो चुका है। दुआ करूं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन यार। तो इसी के साथ हमारे आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं हमारे आज के ब्लॉग में आके क्या होगा। तो फिलहाल जो है ना हमने नाश्ता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत मजे का बना था अफगानी ऑमलेट, और सबने मजे से खाया, पेट भर के खाया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हमें हर छोटी बड़ी नेमत पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठ के एक दस्तरखान पे मिलके खाना खाते हैं तो बहुत सारी बरकतें नाजिल होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से। तो अल्लाह पाक हर किसी के खाने में, हर किसी के रिस्क में बरकत दे, आमीन या रब। अल्लाह हाफिज़। ताकि आपको सुकून मिले। कब से बस रोई जा रही। अभी ये आए हैं तो इनके साथ थोड़ी सी ये चुप हुई है, और अभी मैंने इसको टमाटर दिया ताकि ये खाए, उसे चबाए, और ये ठंडा मैंने फ्रिज से उठा के दिया ताकि इसके दांतों मसूड़ों को ना कुछ आराम मिले। माँ, हाँ, जमीन पे क्यों नहीं लेटा, ये क्रॉलिंग करेगी। लिटाती हूँ लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं लेटती ज्यादा, बस इसे बैठना पसंद है, जैसे ही लिटाती हूँ फौरन सीधी हो जाती है। मुझे ये बताओ कि आज खाने में क्या खाना है आपने, सबने अब क्या बनाओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊं। ऐसे करते हैं, आज छोड़ें, हाँ, पापा को बोलते हैं कि हमें लकी ऐसी की ट्रीट देना। अच्छा, रोज ट्रीट चाहिए आपको? नहीं, रोज। आज बताएं आप क्या बनाए। आज आप बनाए चावल, लास्ट हमने हैदराबादी होटल चले, देखो हाँ
सैटरडे को, तो अभी हो गया अभी तो ये। अच्छा अभी ये तो नहीं होगा क्या हर वीकेंड पे आपको ट्रीट मिलेगी? अब मुझे बस बताओ कि क्या खाना है। खाओ, खाओ, अच्छा खाओ खाओ, कोई नहीं मना करता, खाओ खाओ। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तस्वीर चाहिए आपको, ये चाहिए, पढ़नी है तस्वीर पढ़नी है आपने, नहीं टमाटर खाना है। अच्छा खाओ खाओ, टीथ के लिए हमने जल लिया, वो कहाँ है? उस रूम में होगी, जाओ जल्दी से लेकर आओ, मैं दो इसको जब आप दो। आज की यहाँ पे तो थी, इस टेबल पे मैंने रखी हुई थी, यहाँ पे नहीं है। मोना से पूछो, मोना से पूछ के आओ, मोना के पास क्या के दांत टूट रहे हैं? मोना वो देती रहती है ना इसको, बताओ तुम्हारे दांत डिस्टर्ब है, छोड़ दो उसको, खेलने दो उसके साथ। चावल बनाए कोई अच्छे से जिसके अंदर गाजर भी हो और प्याज भी हो और आलू भी हो, अच्छे से बनाए। सब्जी वाला पुलाव बनाए फिर पुलाव को छोड़े कुछ और, यानी तो गाजर और आलू तो वो सब्जी वाला पुलाव ही बन जाएगा। हाँ बिरयानी को छोड़, चावल कब तक बनेंगे? पापा आ गए? नहीं पापा की नहीं, वॉशिंग मशीन की आवाज़ है। मुझे लगता है इसे नींद भी आ रही है इसलिए भी रो रही है। इसके पैर पहले से हार्ड हो गए, हार्ड हो गए हैं क्योंकि अब ये बड़ी हो रही है ना इसलिए हार्ड हो रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। देखो सो गई है मुस्तफा से तो बाकी नींद आ रही थी। मलाक के सॉफ्ट पैर।